बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज आपको मैं एसीडीसी पंखे की मुकम्मल अनबॉक्सिंग और फिटिंग के बारे में बताऊंगा कि इसको कैसे इसमें किट फिट करते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग, और आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी कंपनी का आप पंखा लें जो बेस्ट है। तो वीडियो पे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आए चलते हैं और आपको बताते हैं। तो हमारे पास जो कंपनी है ये है मास्टर का, 6 सूत्र की इसकी वाइंडिंग है, ठीक है। और ये पंखा बड़ा मज़े का है और मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। तो आप जब भी रिकमेंड करना चाहे तो ये लेके आए। तो इसकी अपन अनबॉक्सिंग करते हैं। इसमें जो सामान आता है ये चीज़ें इसमें से निकलती हैं, ठीक है। और ये जो है इसके साथ पंखा है और इसकी डिज़ाइनिंग इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की आती हैं। अगर किसी भाई को ये पंखा चाहिए तो ये मैं इसको बेचता भी हूँ 7,500 का आपको ये मिलेगा। मैं आपको नंबर नीचे मैंशन कर दूँगा। तो गाइज़ ये इसके साथ किट है, इसको एसीडीसी किट कहते हैं, जो पंखे के साथ लगती है। ये इसमें इसका कनेक्टर है और ये पंखे की वायरिंग है। इससे आप देख रहे हैं 3 कलर की वायर आ रही है, रेड, दूसरी जो है ब्लैक है और एक ब्लू है। तो इसका अब आपको कनेक्शन जो है लियाकत भाई हमारे पास हैं, ये हमारे इंजीनियर हैं, ये आपको बताएंगे कि कैसे कनेक्ट होती है। तो लियाकत भाई अब ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, वायर कनेक्ट करेंगे। तो वायर जो है सबसे पहले रेड के साथ आपने रेड लगा देना है। ये हमने जो है अब हमारे पास येलो है तो उसको हमने ब्लू के साथ अटैच कर दिया। अगर आपके पास ब्लू है तो ब्लू को ब्लू के साथ अटैच कर दें, ठीक है। और ये तीसरी तार जो है ब्लैक के साथ जो है ब्लैक को हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये अब देख रहे हैं किट में इसकी जगह होती है, दिखाएं जरा। ये जगह के पे आपने ये कनेक्टर लगा देना है। तो ये हमारा कनेक्टर आ गया। तो अब इसको इस डब्बी में हम रख देंगे। ये बगैर पेचो की जो है डब्बी होती है, तो ऐसे ये बंद हो गई है। इस पे दोनों साइड पे एक एक पेच लगा होता है, आप ये पेच इसका जो है फिक्स कर लें। अब जो है गाइज हम चेक करेंगे इसको, जो है हमने डीसी जो करंट देना है ताकि पंखा सीधा घूम रहा है कि उल्टा घूम रहा है, ठीक है। तो नीचे ये सबसे पहले फिटिंग के पहले आपने चेक करना है, फिर उसको हमने जाके फिट करना है, ठीक है। ये अब हम लगा देंगे। ये आप देख सकते हैं तारों के साथ डीसी का जो है लगा हुआ है। इसमें ये हमारा रिमोट आ गया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सीधा घूम रहा है। अब जो है ये हमारा हो गया। बस सही फोन। तो गाइज ये कनेक्शन जो है हमारे लग गए हैं, जो मैंने आपको बताया कि सीधा कैसे मुड़ते हैं। और इसके अलावा जो अब एसी है ये देखिए, इस पर वाजे इन्होंने बनाया होता है एसी 220 वाट, ठीक है। इधर जो है आपने एसी का लगाना है, यानी कि जो डायरेक्ट वापडा की बिजली है उसको एसी कहते हैं। और अगर आपने जो है सोलर से डायरेक्ट लगाना है तो ये जो है सोलर का जो है आप इनके साथ ये प्लस माइनस जो है लगा दें, ठीक है। बड़ा सिंपल सा इसका कनेक्शन है, ये आप घर में खुद किया करें। ये जो है दोनों लगाने हैं तो दोनों भी लग सकते हैं, दोनों आप लगा लें। जब वो वापडे की जाते हैं तो इसका जो है प्लग आप चेंज कर दिया करें तो आपके दोनों एसी डीसी दोनों पे चलेंगे। तो ये सिंपल से जो है मैंने आपको इसका जो है तरीकाकार बता दिया। जब आप ये एसी डीसी का पंखा लेके आते हैं तो इसमें जो होता है ना, ये 6 सूत्र का, 5 सूत्र का, 4 सूत्र का जो है ये मिलते हैं अंदर से। इसकी जो तांबे की जो फिटिंग होती है ना, ये उसका जो है रेट होता है, ठीक है। तो ये मैं लेके, तो आप भी ये मेरे तो आपको यही रिकमेंड है कि यही ले आए। इसका जो है हवा का हवा भी ठीक है। और ये जो खुर्शीद फ़ैन या आप जो कंपनी वाले फ़ैन लेते हैं महंगे से महंगे, ये उनके बिल्कुल मुकाबले का है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।
तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने भाई हरून खान को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पामान। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप यूट्यूब में लिखे फूड ट्रैवल कुकिंग वन एट द रेट, उसके बाद चैनल में कोई भी वीडियो आप ऑन करते हैं तो इसके साथ नीचे आता है सब्सक्राइब, इस पर क्लिक करें, बेल का आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक कर दें।